Good morning students today you will be taught the poem how to tell wild animals this poem has been written by carolyn wells and the poet describes some ways how to identify some wild animals and they are dangerous animals the poet gives some suggestion how to identify वाइल्ड एनिमल्स एंड सी यूज इज ह्यूमरस वे टू आइडेंटिफाई दीज एनिमल तो लेटस स्टार्ट रीडिंग दिस पोइम दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना यानी कि ये जो पोइम है हिमरस पोइम ये सजेस्ट करती है कुछ डेंजरस तरीके बताती है भाई डेंजरस एनिमल्स को पहचानने के टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर राइम तो इसमें पोइट जो है सजेस्ट करता है कि भाई आप इसको पढ़ें कीपिंग इट कीपिंग टू अ स्ट्रोंग एंड रेगुलर राइम बिल्कुल स्ट्रोंग और रेगुलर राइम जो से हो की गई है उसमें उसको आप समझें इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टोनी बीस्ट इफ़ यू रोर्ज एट यू यू आर डाइन यू विल नो इट इज एशियन लाइन अगर आपका भी इफ़ यू शुड गो बाई चांस अगर आपका भी मान लो मौका मिलता है आपको जाने का टू जंगल्स इन द ईस्ट ईस्ट के जंगल्स में ईस्ट के जंगल्स में जाने का जो ईस्टर्न एरियाज ईस्टर्न पार्ट्स हैं, हैं वर्ल्ड के वही वहाँ जाने का अगर मौका मिलता है एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अगर आप आगे चले जाते हैं आगे जाएंगे, अ लार्ज एंड टोनी बीस्ट और वहाँ पर आप किसको देखेंगे एक लार्ज एंड टोनी बीस्ट को देखेंगे बहुत ही बड़ा और टोनी बीस्ट मीन्स जो ऑरेंज कलर का या येलो ऑरेंज एंड येलो इस कलर का ब्राउन कलर का जानवर देखेंगे आप इफ यू रोर्ज एट यू एज यू आर डाइन और वो आपको देख करके क्या करेगा रोरिंग करेगा गर्जना करेगा एज यू आर डाइन जैसे कि आप बिल्कुल उसकी रोरिंग सुनकर मर जाएंगे यू विल नो इट इज द एशियन लाइन लाइन आप समझ जाएंगे पता चल जाएगा आपको कि भाई ये कौन है एशियन लाइन है तो यहाँ पर जो पोइट है इंट्रोड्यूस करती है एशियन लाइन को पर्टिकुलर एशियन लाइन की बात करता है तो हियर द पोइट हैज पोइटिक डिवाइस एल्यूसन ए डबल एल यू एस आई ओ एन तो यू विल नोट डाउन दीज पोइटिक डिवाइस इन योर नोट बुक तो एल्यूशन क्यों है यहां पर क्योंकि पर्टिकुलर एशियन लो इन का जब एग्जाम्पल देता है वो किसी का पर्टिकुलर किसी जगह का या एग्जाम्पल बुक में देता है तो उसको एल्यूशन बोलते हैं पोइटिक डिवाइस को तो यहां पर पोइट हमें बताता है कि भी, अगर आप वहां पर जो लाइन एशियन लाइन की बात करता है जो कि किंग माना जाता है जंगल का तो आप वो रोरिंग से डराएगा आपको उसकी रोरिंग आपको लगभग मारी देगी तो यहाँ पर पोइट समझ आना चाहता है कि भी लाइन की जो रोरिंग है वो कितनी ख़तरनाक होती है और उसकी रोरिंग से ही आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर जो राइम स्कीम है जो पोइट ने यूज की है इन सब स्टैंजाज के अंदर सेम ही पैटर्न रहेगा राइम स्कीम का तो यू विल अंडरस्टैंड दैट ए बी ए बी एंड सी सी ए बी यू हैव बीन टोट इन अर्लियर पोएम्स हाउ टू फाइंड आउट ए बी चान्स जो वर्ड है इट राइम्स विद एडवाद लॉइन इट इज एबी एंड सीसीड हियर द पोइट है पोइटिक डिवाइस एजोनेस कैन यू से यू हैव रेड एजोनेंस इन अर्लियर पोइम एजोनेंस जिसमें रेपिटेशन होता है वाउल साउंड का तो इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट तो यहाँ पर शुड गो बाई चांस तो शुड में ओ है और गो में ओ है फिर नेक्स्ट में देखे एंड इफ दे आर शुड टू यू एडवांस तो यहाँ पर भी ओ की रेपिटेशन है इफ यू रोज एट यू एज यू आर डाइन यहां पर भी नो इट इज देशियन लाइन पर भी रेपिटेशन है तो इट इज एजोनेस ए एस एस ओ एन ए एन सी तो ये पोइटी की डिवाइस एजोन होती है और इफ्स इफ समाइम वेन रोमिंग अराउंड अगर आप मूव करते हुए चलते हुए अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू अगर एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आपको ग्रीट करता है वेलकम करता है नोबल मीन्स एक रॉयल बिल्कुल शाही जानवर जो बिल्कुल रॉयल होता है रॉयल तरीके से चलता है विद ब्लैक स्ट्राइप होना येलो ग्रीन ओ येलो ग्राउंड और उसके येलो ग्राउंड पर येलो ग्राउंड मीन्स हेयर मीन्स स्किन जो स्किन है उसके बॉडी की येलो स्किन और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू तो आप नोटिस करेंगे अगर वो आपको खाता है तो एक ग्राउलिंग नहीं करेगा ये आपको देख के रोरिंग नहीं करेगा ये आपको खाने की कोशिश करेगा दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगोल टाइगर टू डिस तो ये सिंपल आप समझ सकते हैं कि भी अगर वो ऐसा करता है आपको खाने के लिए दौड़ता है द बंगोल टाइगर टू डिसन तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई ये कौन है बेंगोल टाइगर है यानी कि यहाँ पर जब जो पोइटिक डिवाइस यूज किया द बेंगोल टाइगर टू डिसन में यहाँ पर तो ये इन्वर्जन किया है दिस रूल में हेल्प यू लर्न टू डिसन द बेंगल टाइगर ऐसे होना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो यूज किया है इसने रिवर्स कर दिया इसको तो इसको बोलते हैं इस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं इनवर्सन आई एन वीई आर एस आई ओ एन दिस रूल में हेल्प यू लर्न टू डिसर्न होना चाहिए लेकिन ऐसा ना करके उसने राइम स्कीम मिलाने के लिए डिसर्न और लर्न की राइम स्कीम मैच करने के लिए पोइट ने इसलिए यूज किया इसको उल्टा यानी कि उसको बाद में ले गया पहले जा, ले जाने के बजाय तो इस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं इनवर्सन आई एन ई आर -E एस आई ओ एन और इफ टाइम व्हेन रोमिंग राउंड घूमते हुए अगर वाइल्ड बीस्ट आपको मिले वेलकम करते हैं तो वेलकम ग्रीड्स में भी यहां पर पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हैं तो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं उसकी येलो स्किन के ऊपर तो वो बेंगोल टाइगर होगा उसको आप पहचान सकते हैं तो ही इंट्रोड्यूस हियर बेंगोल टाइगर तो यहां पर जो पोइटिक डिवाइसेस है आई हैव टोल्ड यू जो यूज की गई हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड और रोमिंग राउंड में यहां पर द पोइट एज यूड एलिट्रेशन नाउ कम टू दर्ड स्टेंजा इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पेपर्ड एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड इट विल डू नॉट गुड टू रॉर विद पेन ही विल ओनली लेप एंड लैप अगेन तो इोलिंग फॉर द बेस्ट यू व्यू अगर आप आगे चलते हुए एक जानवर को देखते हैं हुई स्किन पर क्या है स्पोर्ट्स हैं ब्लैक स्पॉट्स इज पेपर्ड यानी कि वो ब्लैक स्पॉट सारी बॉडी पर है एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू और ये जब आपको देख करके जम्प करता है आपके ऊपर ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लेफ्ट तो आप समझ जाएंगे कौन सा जानवर है लेफ्ट है तो यहाँ पर जो पॉइंट है Introduces poet introduces इंट्रोड्यूस इज it will do no good to roar with pain yani ke यानी it आपको do no good to roar with pain ke bhi के भी आप ये रोरिंग करेगा और आपको खाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं करने वाला है यानी कि ये क्या करेगा आपके ऊपर जंप करेगा खाने के लिए ये रोरिंग नहीं करेगा रोरिंग तो लॉइन करेगा इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन के भी आपको बिल्कुल डरा देगा आप पेनफुल फील करेंगे उसकी सुन के ऐसा कुछ नहीं करेगा ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन ये बार बार क्या करेगा आपके ऊपर जंप करेगा तो यहां पर लैप एंड लैप मीन रेपिटेशन है डिवाइस हैज रेपिटेशन एंड एज एज ही हैज लेफ्ट तो यहाँ पर आप देखें यहां पर भी कौन सी पोइटिक डिवाइस है कंसोनेंस एज सुन हैज लेफ्ट ऑन यू और इस लाइन में आप देखें ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन तो यहां पर ओ की रेपिटेशन है और यहां पर एल की रेपिटेशन है तो इसको कॉन्सोनेंट consonant की कंसोनेंट्स की रेपिटेशन है तो इसको बोलते हैं कंसोनेंस सी ओ एन एस ओ एन ए एन सी इस पॉइंटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंस क्योंकि इसमें जो ओ की दिखाई गई है एक में सॉरी इसमें एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू ओ की दिखाई गई और इसमें एल की दिखाई हुई है तो आप समझ सकते हैं यहां पर कौन सी पोइटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस। इफ when यू आर वॉकिंग round योर वार्ड अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं अपने यार्ड में यू मीट अ creature there, अगर आप अपने यार्ड में आंगन में वॉक वो, वो कर रहे हैं घूम रहे हैं यू मीट अ creature there, आपको एक है? क्रीचर मिलेंगे वहां पर हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड जो आपको क्या करेगा बहुत ही जोर से दबाएगा गले मिलेगा आपके जब भी पाने की कोशिश करेगा बी श्योर इट इज अ बेयर आप श्योर रहे श्योरली आप समझ सकते हैं यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल इट इज बेयर रिच है ये बालू well, है इफ यू आर वॉकिंग अगर आप अपने आंगन में चले यू मीट अ क्रिएचर देयर क्रीचर देयर तो यहां पर जो पोइटिक डिवाइस है इट इज एजोनेंस ए एस एस ओ एन ए एन सी एजोनेस मीन यहां पर आप देखेंगे रेपिटेशन ऑफ वाउल है इसके अंदर रेपिटेशन ऑफ वाउल है एम डबल इटी में और ई e, और फिर देयर में ई e आ गया तो इट इज एजोनेस इसको बोलते हैं एजोनेस ए एस एस ओ एन ए एन सी ई हक्स यू वेरी वेरी हार्ड जो बहुत ही रेपिटेशन है यहां पर बहुत ही हार्ड आपको हक करता है बी श्योर इट इज बेयर इफ यू हैव एनी डाउट इट गैस आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर Careless. तो आप इफ यू हैव एनी डाउट्स जब आपको कोई डाउट्स होता है अगर आपको डाउट होता है अगर आप तो आप अनुमान लगा सकते हैं तो तुरंत आपको ये क्या देगा दूसरी बार फिर दबाएगा यानी कि ये जो एनिमल है, प्रेस यू ही विल प्रेस यू अगेन यानी कि विल किल यू बाय योर हगिंग हग करके आपको यानी कि किल करेगा दबा करके ही विल प्रेस यू हार्ड एक बार शुरू में जेंटली प्रेस करेगा लेकिन सेकेंड टाइम में बड़े जोर से प्रेस करेगा तो यू हियर द पोइट इंट्रोड्यूस इज बेयर तो राइम स्कीम जो है वो सेम रहेगी सभी से स्टैंडर्स के अंदर ए बी ए बी एंड सी सी दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे आर नोविस माइट नॉन पल्स दर क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेट एल फ्रॉम द हाइना दस हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स इसलिए दो टू डिस्टिंग्विश ऑफ ऑपरे इसलिए जो बेस्ट ऑपरे हैं जो जानवर दूसरे जानवर का शिकार करते हैं कि या ह्यूमन बींग का शिकार कर सकते हैं उनको डिस्टिंग करने के लिए उनमें डिफरेंस बताने के लिए नोविस माइट नॉन पल्स कोई जो न्यू पर्सन है वो कंफ्यूज हो सकता है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस क्रोकोडाइल को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे किससे हाइना से, से? किससे हाइना से हाइनाज कम विद मैरी स्माइल हाइनाज जो होते हैं वो मैरी स्माइल देते हैं यानी कि कैसी स्माइल मैरी स्माइल वैसे जो मैरी स्माइल हम यूज करते हैं ह्यूमन बींग के लिए यूज करते हैं तो हियर द पोइटिक डिवाइस मे भी परसोनीफिकेशन बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स तो हाइना स्माइल्स और क्रोकोडाइल्स क्राइंग क्रोकोडाइल्स वो जो है वो रोते हैं दे वीप दे आर क्रोकोडाइल अगर वो वीपिंग करते हैं तो वो क्रोकोडाइल्स होते हैं कहते हैं मगरमच्छ के आंसू तो मगरमच्छ के आंसू जो हैं वो आंसू जो है उसके खाने के लिए होते हैं यानी कि कोई इमोशनल होकर के उसके पास जाए कि भाई ये रो रहा है जानवर तो वो ही विल किल यू आपको मार देगा निकल जाएगा तो हाइनाज और क्रोकोडाइल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हाई, अगर कोई जानवर स्माइल देता है इट इज हाइना हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स स्माइल देते हैं और यहां पर स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट एलिट्रेशन जो एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के आप उनको भी इसमें से फाइंड आउट करेंगे खुद देख करके बिकॉज यू हैव बीन टॉट अबाउट एलिट्रेशन आपको पढ़ाया जा चुका है द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल जो ट्रू कैमलियन होता है वो स्मॉल होता है लिजर्ड सॉर्ट sort ऑफ of थिंग बिल्कुल लिजर्ड की तरह है? का होता है जैसे छिपकली फैमिली से बिलोंग करता है ही एजेंट एनी एट ऑल इसके जो है नकान होते हैं एंड नोट सिंगल विंग ना ही इसका सिंगल विंग होता है नोट सिंगल विंग तो यहां पर जो पोइटिक डिवाइस है इट इज कॉन्सोनेंस सी ओ एन ओ एन एन सी ये कॉन्सोनेंस क्यों है यहां पर जी और विंग में भी जी आ गया तो आप कहेंगे सर एलिट्रेशन होता है तो लेकिन यहां पर ये यह जो सिंगल है ये बीच में जी है यानी कि जब कहीं भी आ जाए शुरू को छोड़ करके बाद में आ जाए या बीच में आ जाए तो उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री अगर मान लो ट्री पर कुछ भी नहीं है इट इज कैमिलियन यू सी इट इज कैमिलियन यू सी तो आप देख सकते हैं तो वो कौन सा जानवर हो सकता है कैमलियन हो सकता है गिरगिट हो सकता है तो कैमलियन की जो फीचर होती है इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग ये अपने कलर को अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है यानी कि जिस प्रकार की सराउंडिंग पर जाएगा वैसा ही कलर अगर पेड़ पर जाएगा ग्रीन कलर कलर कर लेगा अगर किसी और दूसरी जगह पर जाएगा उसी सराउंडिंग जैसा कलर कर लेता है तो कहते हैं ना भाई ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है यानी कि जो जानवर रंग बदलता है अगर इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री अगर कुछ भी नहीं है ट्री पर तो आप इट इज द कैमलियन यू सी आप देख सकते हैं कैमलियन है तो वहाँ पर जरूर कैमलियन है तो यहाँ पर पैराडॉक्स है एक तो वो पोइट कह रहा है कि भाई अगर कुछ भी नहीं है ट्री पर तो आप देख सकते हैं उसको तो देख कैसे सकते हैं जब कुछ भी नहीं है तो इट इज पैराडॉक्स पी ए आर ए डी एक्स यानी कि इस प्रकार की सेंस जहां पर हो तो वी वी यूज पोइटिक डिवाइस पैराडॉक्स तो यू हैव बिन टोट दिस पोइम एंड सम पोइटिक डिवाइसिज विच हैव बिन यूड इन दिस पोएम तो यू विल नोट डाउन दीज पोइटिक डिवाइसिस इन योर नोटबुक And you will find out uh, some examples of alliteration. You will find out uh, themselves, the so, students you have been taught this poem thoroughly. I hope you have understood it and you will read it again to understand it in better way. Thank you.